यस, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस बाय मुकेश पगड़िया। अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकता के बारे में कि प्रतिरोधकता क्या है। ठीक है, तो चलें सीधे हम इसी के लिए बात करते हैं। प्रतिरोधकता, हमारे पास में कोई चालक है, कोई चालक तार है, और उस चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध यानी कि कैपिटल आर, वह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है, पहले हमें उसके बारे में देखना है। तो हम क्या लिखते हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध, ये आपको यहां से लिखना स्टार्ट करना है। किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न प्रकार निर्भर करता है। किस किस पर करता है? नंबर एक, तार की लंबाई के समानुपाती, तार की लंबाई के समानुपाती। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, यानी प्रतिरोध है वह उस तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि हम तार की लंबाई को कितना मान ले, एल मान ले। सेकंड बात, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए मान लें, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अर्थात हम क्या मान लें, आर समानुपाती 1/a। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रतिरोध है एल और इस क्षेत्रफल ए पर इस प्रकार से डिपेंड करता है। तो दोनों को यदि हम कंबाइंड करके लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो कंबाइन करने में क्या हो गया, आर समानुपाती एल अपॉन ए। यहां पर जो एक समानुपाती चिन्ह है इसको हटाने के लिए एक नियतांक का मिलेंगे। ठीक है, वही क्या होगा आपका, उस चालक तार का प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी। तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहां पर रो एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। रो क्या है, यहां पर एक समानु पाती नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। अतः प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, अतः प्रतिरोधकता रो का फॉर्मूला क्या आया, रो इज इक्वल टू, इसको मैंने इधर शिफ्ट किया तो आर ए और ये डिवाइड हो जाएगा एल, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये क्या है, प्रतिरोधकता है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हुआ वो देखिए आप, मात्रक प्रतिरोधकता मात्रक ये क्या, आर, आर क्या प्रतिरोध, तो इसका मात्रक क्या हो गया, ओम। क्षेत्रफल ए क्या, क्षेत्रफल का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर बट्टा लंबाई का क्या होता है, मीटर। ठीक है, तो क्या हो गया, ओम इंटू मीटर, यानी कि ओम इंटू मीटर, ये क्या हो गया, प्रतिरोधकता का मात्रक हो गया। अब इसकी विमा देखें, विमा इसकी होती है M1, L3, T-3 और A-2। ठीक है, अब विमा ये कैसे आई, ये विमा कैसे ही, ये आपको विमा ज्ञात करना मैंने पहले सिखा दिया है। आप इसको इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। ओम की विमा पता होनी चाहिए, अब ओम की विमा पता नहीं है, तार इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई होता है, यानी कि वोल्ट और एम्पियर की विमा पता होनी चाहिए। ठीक है, वोल्ट की नहीं है तो इसका सूत्र देखें, एम्पियर की यदि आपकी विमा नहीं याद है तो आप उसका सूत्र देखें, यानी कि आप इसकी जड़ तक जा सकते हैं, वहां से इसको आप विमा लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो नॉर्मली क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता का एक हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला आ गया सीधा सीधा। ठीक है, इसको याद रखना डायरेक्टली। और अब इस प्रतिरोधकता की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको फिर मैं मिटा रहा हूं। अब आपको देखना है प्रतिरोधकता के बारे में विस्तार से। ठीक है, तो पहली बात यह कि प्रतिरोधकता का अभी आपके पास में फॉर्मूला क्या आया था, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला आपके पास में आया था कि रो रो इज इक्वल टू आर एल अपॉन आर ए अपॉन एल।
ठीक है। अब प्रतिरोधकता क्या है, किस प्रकार से वो हमें देखना है। पहला पॉइंट पढ़े आप, एक ही पदार्थ के प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो सकते हैं, एक ही पदार्थ के प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो सकते हैं, बट उस पदार्थ के लिए जो प्रतिरोधकता होगी वो क्या होगी, एक ही होगी। जैसे मेरे पास में मान लीजिए कि ये पेन है, ये पेन तांबे का बना हुआ है और ये दस्तर भी तांबे का बना हुआ है, ठीक है। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उसकी लेंथ अलग है और इसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये और इसकी लेंथ अलग है, तो इन दोनों का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, बट दोनों की जो प्रतिरोधकता होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों किससे बने हुए हैं, दोनों एक ही पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। तो आप ये कतई मत सोचना कि प्रतिरोधकता के फॉर्मूले में रो इज इक्वल्स टू आर ए और एल ये सब इंक्लूड हो रहे हैं, ये सब इंक्लूड हो रहे हैं, तो यदि हम किसी तार का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी और उसका जो उसकी लेंथ है वो बढ़ा देंगे तो ये इसका मान कुछ कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपकी प्रतिरोधकता होती है वह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, वो किस पर डिपेंड करती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो आप ये बात गाइस बच्चे बच्चे लोग आप अच्छे से इसको समझें। कई बार एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि आपके पास में कोई चालक है, आपके पास में कोई चालक है और चालक का प्रतिरोध मान लीजिए कि 10 ओम है और उसकी प्रतिरोधकता मान लीजिए कि 10 गुणा 10 की घात माइनस 11 ओम इंटू मीटर है, ठीक है। तो इस चालक तार की लंबाई दुगुनी करने पर इसकी इसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं उसकी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों को चेंज कर देते हैं, बट आपको कतई नहीं करना है ऐसा। प्रतिरोध उसका चेंज होगा बट उसकी प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी, परिवर्तित नहीं होगी। कैसे नहीं होगी उसको हम आगे क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। कई बार बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है, यानी कि प्रतिरोधकता पर एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा है, बट कंपटीशन एग्जाम होती है उनमें तो श्योर ही आता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप समझ गए। इसके बाद में ये वाला पॉइंट देखें, अतः प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। अब देखें इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है, हम ओम के नियम की उत्पत्ति कर रहे थे, ओम के नियम की उत्पत्ति कर रहे थे, तब आपके पास में ये आया था। पहले आपके पास में सिग्मा का आया था इसका उल्टा और फिर आपने लास्ट में माना था कि ये प्रतिरोधकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एन और ये टो ये पदार्थ के विलक्षण गुण है, एन और टो क्या है, पदार्थ के विलक्षण गुण है। एन एन क्या है, उसके उस पदार्थ में एकांक आयतन इलेक्ट्रॉन कितने उपस्थित होंगे, और टो क्या है, उसमें दो टकरों के मध्य जो इलेक्ट्रॉन से उनमें जो यादृच्छिक गति करते हैं उनमें दो टकरों के मध्य जो लगा समय है उनका एवरेज ले रहे हैं सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो ये दोनों ही पदार्थ के क्या है, विलक्षण गुण है, ठीक है। एन क्या है, नियत है, एम क्या है, नियत है, और ई का मान भी क्या है, नियत है, ठीक है। तो ये पदार्थ का विलक्षण गुण है, टोपी पदार्थ का विलक्षण गुण है, अतः प्रतिरोधकता को भी अभिलक्षण गुण होना पड़ेगा पदार्थ का, ठीक है। अतः हम ये बोल सकते हैं कि रो है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। बस आपको एक लाइन याद रखनी है, रो यानी प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति से मतलब यह है कि आपका जो पदार्थ वो तांबे से बना हुआ है या फिर लोहे से बना हुआ है। तो एक चीज और समझ लीजिए, यदि कोई तार मान लीजिए कि लोहे का बना हुआ है, लोहे का मान लीजिए इतना सा छोटा तार है, तो उसकी प्रतिरोधकता कितनी होगी, मान लीजिए कि 10 × 10⁻¹⁰ है, ओम इंटू मीटर है, ठीक है। और एक इतना बड़ा तार है तो उसकी भी प्रतिरोधकता वही होगी, यानी कि चाहे हम लोहे का छोटा टुकड़ा लें या चाहे बड़ा टुकड़ा लें, दोनों की जो प्रतिरोधकता होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इसके बाद में प्रतिरोधकता का मान है ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रतिरोधकता का मान ताप पर निर्भर करता है, यानी कि ताप हम कम ज्यादा करने पर प्रतिरोधकता चेंज हो सकती है, ठीक है। अब कैसे चेंज होगी वो, इसके लिए हमें भी आगे टॉपिक आएगा उसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रतिरोधकता का ताप पर प्रभाव नाम से एक हेडिंग पढ़ेंगे हम, उसमें आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखें यहां पर एक चीज और, कि यदि चालक आर त्रिज्या के बेलनाकार रूप में है। अब यदि मान लीजिए आपके पास में कोई चालक है और उसके वो आर त्रिज्या के बेलनाकार रूप में है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, तो देखें ऐसा होने पर उसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल यानी कि बेलनाकार है तो उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा वो वृत्त के रूप में होगा, तो ए का मान हम कितना लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। तब उसकी जो प्रतिरोधकता है रो का मान कितना हो गया, आर ए अपॉन एल, ये सूत्र होता है, तो ए की वैल्यू रख दीजिए आप, तो आर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट है, यदि यदि हम इस ए का मान 1 मीटर स्क्वायर मान लें और तार की जो लंबाई है वो कितनी 1 मीटर मान लें,
ठीक है, ऐसा करने पर क्या होगा, ए की वैल्यू हमने रखी 1 और एल की भी वैल्यू रखी 1, 1 1 क्या कुछ नहीं, ठीक है। तो रो की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आर के बराबर आ गई, ठीक है। तो ऐसा क्या है, तो ऐसा करने पर क्या हुआ कि उस चालक का जो प्रतिरोध है वह प्रतिरोध ही किसके बराबर हो गया, उस चालक की प्रतिरोधकता के बराबर हो गया, ठीक है। और इस स्पेशल कंडीशन को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता का ही दूसरा नाम है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, यानी कि L, L का मान कितना, 1 मीटर, यानी एकांक लंबाई, एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के चालक का जो प्रतिरोध होता है वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता यदि आपकी आपसे कोई परिभाषा पूछी जाए या फिर विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा पूछी जाए तो आप ये वाली चीज लिखेंगे, यानी कि एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो यहां तक अपनी जो प्रतिरोधकता है वह लगभग फिनिश हो गई है, और एक वाला जो ये वाला जो पॉइंट है प्रतिरोधकता का ताप पर निर्भरता, ये हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं विस्तार से, ठीक है। यदि अभी इसके बारे में जब हम चर्चा करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि रो का फॉर्मूला ये है, रो का फॉर्मूला ये नहीं है, ये तो प्रतिरोध के रूप में है इसका, ठीक है। बट जो एक्चुअली जो पदार्थ की प्रकृति के अनुसार जो हमारे पास में फॉर्मूला आता है वो वाला फॉर्मूला हम कौन सा मानते हैं, ये वाला फॉर्मूला मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एम और ई ये तो दोनों कॉन्स्टेंट है, एन ये भी हम उसका प्रतिरोध गुणज को भी कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, बट ये टो है, टो तो क्या है कि दो क्रमांक प्रकरण के मध्य लगा समय, यदि हम किसी चालक को गर्म करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आयन है, ठीक है, वो ज्यादा कंपन करेंगे तो ज्यादा कंपन करने से उसके टकरों जो टकरे हैं वो कम ज्यादा होंगी, ठीक है। चालक कुचालक और अर्धचालकों के अलग अलग कंडीशन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपना एक नया टॉपिक है, जैसे प्रतिरोधकता है वैसे ही अब की बार ये अपना एक नया टॉपिक है, उसका नाम है चालकता। क्या है चालकता, चालकता क्या होती है, प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है। इसके डेफिनेशन क्या है, सिंपल है, लिख लीजिए किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम उस पदार्थ की क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है, ठीक है। तो चालकता को किससे लिखेंगे, हम सिग्मा से लिखेंगे, सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ, क्योंकि ये प्रतिरोधकता का क्या है, व्युत्क्रम है। फिर ठीक है, रो की वैल्यू लिख दीजिए, तो रो की वैल्यू लिखने पर इस प्रकार से हो गया। अब इसका मात्रक, मात्रक लिखिए, तो मात्रक क्या है, यानी कि इसका उल्टा मात्रक, यानी कि ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, इसको महो मीटर इनवर्स बोलते हैं, ओम इनवर्स को बोलते हैं, महो भी बोलते हैं, ठीक है। विमा, विमा इसकी रो की उल्टी विमा आप लिख दीजिए, और इसके बाद में एक सिग्मा का फॉर्मूला और बनता है जो आपने ओम के नियम की उत्पत्ति में प्राप्त किया था। क्या किया था कि एम ई स्क्वायर अपॉन यस एन आई एन ई स्क्वायर टो अपॉन एन, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आप प्रतिरोधकता डायरेक्ट याद रखें और ये वाला भी याद रखें। तो इसी प्रकार से ही आप यहाँ पर प्रतिरोधकता के दो फॉर्मूले याद रखें, एक ये वाला फॉर्मूला याद रखें और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही बात करेंगे, बट इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं प्रतिरोधकता वाले न्यूमेरिकल्स वो इम्पोर्टेंट हैं, वो न्यूमेरिकल्स के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें और भी क्वालिटी के वीडियोस होंगे, ठीक है, और भी क्वालिटी के न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।